वेलकम टू ऑनलाइन क्लास राम राजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर। मैं आपको स्वागत है बच्चों। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे रिडॉक्स रिएक्शन, तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा आपसीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। ठीक है ना, आपसीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपसीकरण अभिक्रिया द्वारा दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो निम्न प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला प्रभाव होता है संक्षारण होता है। क्या होता है? संक्षारण होता है। संक्षारण की जो ये जो टॉपिक है संक्षारण का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे पूछता है डिग्री, इसे डिफाइन कीजिए और इसका एक दो एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु कोई भी अभिक्रिया होगी या इसमें जो संक्षारण की अभिक्रिया होगी उसमें जिसमें धातु ऑक्सीजन नमी या अन्य रासायनों की धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जिससे आप लोगों ने बेटा देखा होगा जो लोहा होता है, लोहे में जब जंग लगता है तो कौन सा अभिक्रिया होता है? वो रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। तो उसमें जब आयरन होता है, मीन्स लोहा होता है, उसमें ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन क्या करेगा उसको? लोहे को, लोहा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? Na2O3 × X2। मीन्स क्या है? एक्स इसके बहुत मॉलिक्यूल्स संघनित हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे, इससे Na2O3 × X2 का निर्माण होगा। इसे कहते हैं रस्ट, RuSt। रस्ट क्या होता है? जल होता है। जल क्या है? फार्मूला है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिखाया गया है कि लोहे में जंग लगाना और चांदी या भूसड़ों का काला पड़ जाना, ये सब क्या है? संक्षारण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक हो, अगला हेडिंग होगा विकृत गंधिता। ठीक है ना, तो यहाँ पर है विकृत गंधिता। किसे कहते? कभी कभी संक्षारण पर या गंधिता पर क्या पूछता है? शॉर्ट नोट पूछता है, संक्षिप्त टिप्पणी पूछता है। तो आप लोग इसको जानते रहिएगा कि जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद आक्षरण के अनेक स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है ना, जिसमें मानी खाद्य पदार्थ है उसमें जो तेल रहता है और वसा रहता है उसका बहुत धीरे धीरे जब ऑक्सीडेशन होगा या आक्षरण होगा तो उसका स्वाद क्या होगा? चेंज हो जाएगा। उसी क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है ना, और जो गंधिता काला होता है ये वातावरण ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण द्वारा ही होता है। ठीक है ना, अर्थात वसा युक्त अथवा तैलीय युक्त या तैलीय युक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये क्या होते हैं? ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधित था खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसे कैसे रोका जाएगा? तो खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको वायुरोधी पात्र में रखना चाहिए और निम्न ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा खाद्य पदार्थ जैसे आलू का चिप्स आदि की पैकिंग ऑक्सीजन के को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देना चाहिए। जिसे मान लीजिए चिप्स आता है उसमें चिप्स में ऑक्सीजन अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें उसको ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जब गैस भर दिया जाएगा तो काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रहता है। इसीलिए इसमें क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं जिससे सुरक्षित मेंटेन बना रहे। ठीक है ना, तो जो आज का टॉपिक था बिल्कुल इतना ही था कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का दैनिक जीवन में निम्न प्रभाव है। सबसे पहला बताएं कि संक्षारण और दूसरा क्या है? विकृत गंधिता है। ठीक है ना बेटा, बस एक जो चैप्टर है इतना ही था, इतने ही हेडिंग थे। हम लोग पूरे हेडिंग को पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन का। एक एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे, चाहे वो
डिफिनेशन हो चाहे ऑर्डिनरी रिएक्शन हो, मीन्स बैलेंस इक्वेशन हो, मीन्स संतुलित अभिक्रिया समीकरण हो या कोई डिफिनेशन हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है वायु के गिराने पर, वायु के गिराने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन को लोग राइट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमको बताइएगा नेक्स्ट डे पे, ठीक है ना। तो हम लोग जितना पढ़ाया गया है आज तक चैप्टर नंबर फर्स्ट का पढ़ के आइएगा, तो पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन का एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना बेटा, बस इतना ही, थैंक यू।